हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल त्रिशा का संसार में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर और स्प्राउट की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जिसे आप लंच, डिनर या टिफ़िन में बना के आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और चटपटी सी रेसिपी है। थोड़ा मीठा, खट्टा, तीखा, बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म करें रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच के लगभग तेल और 2 पिंच हींग का। तेल गर्म हो जाने के बाद ही हम इसमें हींग डालेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा पक जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज या मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कट किया हुआ, और साथ में 4 से 5 लहसुन कलियां, वो भी हमने बारीक कट कर लिए। ये दोनों डाल के हम इसे सॉटे भून लेंगे लगभग तब तक जब तक कि प्याज हल्का पिंक कलर का ना हो जाए या थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। तो यहाँ पे 1 छोटी गाजर ली है मैंने, जिसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। ये भी हम इसमें डाल के 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेंगे, या इसे अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गाजर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। 2 मिनट तक गाजर पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करी स्प्राउट। यहाँ पर मैंने मूँग के स्प्राउट लिए हैं, 1 मुट्ठी के लगभग है यह, या 1 छोटी कप के लगभग है। इसे इसमें डाल के अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे, मतलब पका लेंगे, और इसे ढक करके हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे गाजर और स्प्राउट जो हमने लिया था वो अच्छी तरह से पक चुका है। 2 मिनट तक मैंने इसे ढक के पकने दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे 2 छोटे साइज़ का टमाटर मैंने लिया है, या 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से टमाटर आपको जैसा कम या ज़्यादा पसंद है वैसे ऐड करेंगे। और इसे भी हम टमाटर को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ में 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून के पका लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक हम अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करेंगे, जैसा कि आपको पता ही होगा, और नमक को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद देखिए ये सब्ज़ी जो है ये लगभग तैयार है। अब हमें इसमें ऐड करना है ये टमाटो केचप। यहाँ पे मैंने टमाटो की प्यूरी नहीं ली है, टमाटर की प्यूरी नहीं ली, यहाँ पे मैंने टमाटो केचप लिया है, जो नॉर्मली हम ब्रेड वगैरह पे यूज़ करते हैं वही वाला यहाँ पे टमाटो केचप लिया है मैंने। ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, हल्का हल्का सा मीठा लगेगा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। साथ में यहाँ पे 150 ग्राम के लगभग पनीर है मेरे पास, जिसे थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स करके ढक देंगे। ढक करके हम इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो इस सब्ज़ी को मैंने स्लो फ्लेम पे ही पकाया है, मीडियम स्लो फ्लेम पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, ताकि ये धीरे धीरे धीमे धीमे पकता रहे और इसका एक अलग सा टेस्ट आए। तो यहाँ पे मैंने इसे फिर से ढक दिया था 5 मिनट के लिए, और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते इसमें डाल देंगे, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा डाल देंगे, और इसे भी मिक्स करके 2 मिनट से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें धनिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे ऐड करके हम 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो बस ये सब्ज़ी बनके हमारी रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।